मानसिक रोगी अक्सर घर परिवार से उपेक्षित होते हैं और सहानुभूति के मोहताज बना दिए जाते हैं, लेकिन इन रोगियों को सहानुभूति की नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत है। यह साबित किया है रांची के मानसिक रोग चिकित्सालय रिनपास ने। यहां सैकड़ों मानसिक रोगी खेती में जुटे हुए हैं और रोज तकरीबन 2 से 2.5 क्विंटल सब्जी उगा रहे हैं। यहाँ महज खेती नहीं हो रही बल्कि सफलता और विश्वास की एक कहानी लिखी जा रही है। ये किसान नहीं बल्कि रांची में रिनपास के मानसिक रोगी हैं। रिनपास के पास कई बीघे बंजर भूमि थी, फिर भी उसे अपने सैकड़ों रोगियों के लिए करीब 1.5 लाख रुपए की सब्जियां खरीदनी पड़ती थी। चिकित्सालय ने अपने रोगियों पर विश्वास जताया और उन्हें इस बंजर भूमि पर सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। घास उस काटते हैं, कुछ घास सब निकाल देते हैं। घास निकालने के बाद उनको फिर एक किनारे में रख देते हैं, किनारे उसको फिर जला देते हैं। नहीं, हम डेली खेत में काम किए हैं, वहाँ भी जाके घर पर भी हम खेत में काम करेंगे और समाज सेवा करने के लिए हम हर समय तैयार रहेंगे और जो है सो खेत के उपजावेंगे। जैसे यहाँ पर खेत में जो रूटीन हमारा जो रूटीन से हमको काम कराया गया है। आज यहाँ हर दिन करीब 2.5 क्विंटल सब्जी उगाई जाती है और उत्साहित मानसिक रोगी यहाँ से घर वापस जाकर इस विश्वास को जारी रखना चाहते हैं। रोगी को सहानुभूति में नहीं विश्वास की जरूरत। इनको प्यार से ये क्लाइंजिंग करते हैं, हम वो लाइन देते हैं, जिस लाइन पर डालते हैं उस लाइन पर ये ट्रैक पकड़ लेते हैं। अस्पताल उत्साहित है न सिर्फ इसलिए कि रोगियों ने अपने खर्च खुद उठा लिए बल्कि इसलिए कि व्यस्तता और खुशी के इस प्रयोग ने रोगियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है और वे अपनी बीमारी से जल्दी निजात की तरफ बढ़ने लगे हैं। मानसिक बीमारी को समाज ने हमेशा इस तरीके से देखा है जैसे जिसको एक बार मानसिक बीमारी हो जाएगी तो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सिर्फ भ्रांति है। हम अपने संस्थान में इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को पुनर्वास के माध्यम से ऐसे कार्यों में लगाएं जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़े। रिनपास की ये दवा ज्यादा कारगर साबित हुई है जो यकीनन समाज में इन रोगियों की सफल वापसी के रास्ते खोल रही है। नवीन कुमार, सहारा समय, रांची।